Movements across cell membranes, endocytosis. First, the contents, definition of endocytosis, different types of endocytosis that is, pinocytosis, phagocytosis, receptor mediated endocytosis. First, the definition endocytosis endocomatal botha ke in inward. So, endocytosis is the मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन बल्क अमाउंट फ्राम आउटसाइड सेल टू द इनसाइड तो नॉर्मली दिस मूवमेंट इज़ इन दाम ऑफ वेजिकल एक बल्क की फार्म है जब मटेरियल बाहर से अंदर लाए जाते हैं तो हम इसको एंडोसाइटोस का नाम देते हैं अच्छा ये जो डिफ्यूजन से या एक्टिव ट्रांसपोर्ट से डिफरेंट है डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वगैरह में सिंगल सिंगल मालिक्यूल जब मेम्ब्रेन के अंदर एंटर होता है जबकि एंडोसाइटोसिस में सिंगल मालिक्यूल नहीं बल्कि एक बल्क में लार्ज अमाउंट में मालिक्यूल जो है वो सेल के बाहर से अंदर की तरफ जो है वो मूव करवाए जाते हैं एंडोसाइटोसिस की तीन बेसिक टाइप्स हैं दैट इज द पिनोसाइटोसिस फेगोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइट ये बेसिकली टाइप्स जो हैं ये अकॉर्डिंग टू मटेरियल हैं अगर मटेरियल लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड फॉर्म में जब मटेरियल को इनटेक किया जाएगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज द पिनोसाइटोसिस तो पिनोसाइटोसिस क्या है इन टेक ऑफ ए लिक्विड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल टू द इनसाइट और नॉर्मली जब लिक्विड मटेरियल या फ्लूड इनटेक किया जाता है तो उसके अंदर अगर सोलबल फॉर्म में कोई सॉलिड मटेरियल भी मौजूद है वो भी जो है वो इसके साथ वेजिकल के फॉर्म में इनवर्ट जो वो इन्वेजिनेट कर लिया जाता है यहाँ अगर आप देखिए पिनोसाइटोसिस में फ्लूड पार्टिकल्स हैं या फ्लूड में वाली मालिक्यूल्स हैं ये जैसे ये सेल की सरफेस के करीब आएंगे सेल एक इन्वेजिनेशन बनाएगा अंदर की तरफ जो है एक डिप्रेशन बनाता है मालिकूल जैसे इस इन्वेजिनेशन के अंदर आ जाते हैं तो सेल इस इन्वेजिनेशन को कवर करते हुए एक वेजिकल की फार्म इसको बना देता है और ये वेजिकल फिर सेल के अंदर आ जाता है और इसको जो है वो डाइजेस्ट कर लिया जाता है फेगोसाइटोसिस बेसिकली सॉलिड मटेरियल की इनटेक है जब सेल के करीब को सॉलिड मटेरियल आता है तो उसको भी जैसे ही सॉलिड मटेरियल सेल के करीब आएगा सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करेगी और उसको एक वैक्यूल की फॉर्म में सेल के अंदर लाया जाता है सो इन टेक ऑफ सॉलिड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल इज कॉल्ड द फेगोसाइटोसिस यहाँ आप देख सकते हैं कि एक सॉलिड पार्टिकल है अच्छा इसके एग्जाम्पल हम यूँ कह सकते हैं कि ये कोई बैक्टीरिया है और ये एक वाइट ब्लड सेल्स हैं क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो आमतौर तो पर बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं तो जैसे ही पार्टिकल या बैक्टेरियम सेल के करीब आएगा सेल क्या करेगा अपनी मेम्ब्रेन को थोड़ा सा इनवर्ट जहाँ वो इन्वेजिनेशन करेगा जैसे इन्वेजिनेशन होगी तो इसके साथ ही एक जो वो इन्वेज फूड पार्टिकल अंदर आ जाएगा एक वेजिकल फॉर्म होगा और ये वेजिकल फिर जो वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है उसको मूव करवाया जाएगा बाद में ये वेजिकल फ्यूज करेगा या मर्ज करेगा लाइसोसोम के साथ इस लाइसोसोम दोनों के मिलने से लाइसोसोम और फूड जो सॉलिड फूड इनटेक किया गया उन दोनों को मिलने से फेगोसोम बनता है फेगोसोम में जो यूजफुल मटेरियल है वो एब्जॉर्ब किया जाता है जबकि जो यूजलेस मटेरियल है उसको सेल से बाहर निकाल दिया जाता है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस से इस तरह से डिफरेंस है कि जो मटेरियल इनटेक करना है वो पहले आकर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है जैसे मेम्ब्रेन से अटैच होगा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करेगी और वेजिकल की फार्म में मटेरियल जो है वो सेल के अंदर चला जाएगा यहाँ आप देख रहे हैं इसके सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रोल की जैसे कोलेस्ट्रोल सेल मेम्ब्रेन के पास आते हैं सेल मेम्ब्रेन से ये बाइंड करेंगे बाइंड करने के बाद मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करेगी और वेजिकल की फॉर्म में मटेरियल अंदर चला जाएगा तमाम तरह की एंडोसाइटोसिस में जो इनटेक ऑफ मटेरियल वो हमेशा वेजिकल की फॉर्म में होती है